ओम शांति। ठीक है, ईश्वर की है केवल अटेंशन की बात है। सबसे पहले सवेरे उठकर हमारा योग सुंदर होना चाहिए। कल हमने आपको एक संकल्प दिया था, उठो तो मुस्कुराते हुए उठेंगे, योग शुरू हो गया। ये बहुत जरूरी होता है कि हम सवेरे सुंदर संकल्प करें तो कल का प्रभाव, रात का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, बीमारी का प्रभाव, व्यर्थ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छी तरह धारण कर लें आप। सवेरे उठकर जितने शेष संकल्प करेंगे उतना ही व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। इसलिए केवल योग नहीं, श्रेष्ठ संकल्प भी। ठीक है, जब आत्मा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाती है तो ये उसकी संपूर्णता कहलाती है। जब आत्मा बहुत से संकल्पों में रहने लगती है ये उसकी संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। तो सभी ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, थोड़ी आवाज कम करें, बोझ रहे। तो अब हम एक बार और करके फिर अभ्यास करेंगे, पर ऐसा अभ्यास करेंगे कि यहां से चारों ओर शांति की किरणें फैलने लगे। जब हम योग करते हैं तो हम याद रहे योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस से क्या होता है बोलो, चारों ओर प्रकाश फैलता है। चलो बस वही लेके पूरा कर लो, हमसे भी चलते फिरते प्रकाश फैलता है। देखो क्या क्या होगा यदि आप बहुत सुंदर योग चलते फिरते करने लगे। आप घूम रहे, मान लो ये लोन है, इसमें आप घूम रहे हैं, हवा आपसे स्पर्श करके बह रही है, तो हवा आपके पवित्र वाइब्रेशंस को लेकर बहने लगेगी। और हवा कहाँ कहाँ पहुंचेगी, सारे संसार में। ये पवित्र वाइब्रेशन हवा के माध्यम से विश्व में फैलने लगे। आप योग होकर चल रहे हो, आपके कदमों से पवित्र किरणें धरती में समाने लगे। तो प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है योग युक्त रहने से।